चाइना अपनी विस्तारवादी नीति बंद करे। इसके विस्तारवादी नीति और इसके कई प्रकार की नीति विशेषकर हम भारतीयों को स्मरण रखने की आवश्यकता है। हजारों एकड़ जमीन हमारी चाइना अवैध कब्जा कर रखा है। हम हिंदू सनातनियों का स्नेह और हमारे आराध्य देव भगवान भोले शंकर जिनका निवास स्थान कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर चाइना के कब्जे पे अवैध कब्जे पर है। हम सभी भारतीयों का एक दायित्व भी बनता है, हम इसके प्रति सजग रहें, अपने अपने स्तर से आवाज उठाएं। इसके प्रति आपको भी कुछ सोच रखने की आवश्यकता है। चाइना अविलंब मानसरोवर को मुक्त करे, हमारी सभी जमीनें एक एक इंच हम वापिस अपनी सारी जमीनें वापिस लेंगे। हम वर्तमान सरकार से यह मांग भी रखते हैं कि इस विषय पर केंद्र सरकार ध्यान दे और हर भारतीयों का यह कर्तव्य होता है इसके प्रति हम सजग रहें। स्मरण रखने की आवश्यकता है कि भारत सबसे बड़ा बाजार है चाइना का। हम भारतीयों के मूड को उन्होंने देखा है, हमारी पहचान, हमारा टेस्ट क्या है, हमारी रुचि के अनुरूप वो हमारे त्योहारों में अपने उत्पाद बेचते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो या वो दीपावली हो। और हम अपनी थोड़ी सी पैसे बचाने के कारण हम उनका प्रोडक्ट लेते हैं सुंदरता के पीछे। हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है कि चाइना हमसे ही पैसा लेता है माल बेचकर और उसी पैसे से हमारे सैनिक भाइयों के लिए वो गोली इकट्ठा करता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम भी कहीं ना कहीं अपने सैनिक भाइयों के प्रति विरोध कर रहे हैं और अपने देश का विरोध कर रहे हैं, अनजाने में या अब जागने की आवश्यकता है। चाइना को यह भी स्मरण कराना चाहूं कि भारत ने ट्रेलर प्रस्तुत किया है तुम्हारे डोकलाम और गलवान घाटी की। पहले का भारत अब नहीं है, अब घर घुस कर मारेगा। तुम्हारी मनसा बिल्कुल साफ, तुम्हारे परिणाम भुगतने पड़ेंगे इसके, ये तो अन्यथा इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, ये कहे तो हमारी सहनशीलता वो पार कर चुकी है और अब सबक सिखाया जा सकता है। सभी भारतीयों का भी दायित्व बनता है देशभक्ति की अपनी भावना को प्रकट करने का, ये बहुत अच्छा अवसर है। जागो भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।